दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक स्टोरी, अ कप ऑफ टी, जिसे लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड ने, और ये स्टोरी पब्लिश हुई थी 1922 में। तो चलिए जल्दी से स्टोरी के प्लॉट पर नज़र डालते हैं। तो ये है इस स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट, यानी कि मेन कैरेक्टर रोज मैरी फेल। ये बहुत ही अमीर है और इसे शॉपिंग करना बहुत ही पसंद है, और इसके हस्बैंड का नाम है फिलिप, और ये बंदा भी बहुत ही अमीर है। और एक कैरेक्टर है मिस स्मिथ, ये एक लड़की है और ये बहुत ही गरीब है। और दोस्तों, एक और कैरेक्टर है जिसका इस स्टोरी में ज़्यादा काम नहीं है, इसका नाम है जिनी, ये एक हाउसमेड है। रोजमैरी और फिलिप के शादी के 2 साल हो गए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये रोजमैरी को शॉपिंग करना बहुत ही पसंद है, तो ये आज भी शॉपिंग करने के लिए निकली है, और ये इस जगह में शॉपिंग करने आई है, यानी कि कुर्जोन स्ट्रीट में। तो यहाँ पर आने के बाद रोजमैरी एक एंटीक शॉप में जाती है और शॉपकीपर को कहती है कि मुझे कुछ अच्छा, यानी कि मुझे कुछ बढ़िया सा सामान दिखाओ। तो ये शॉपकीपर रोजमैरी को एक ब्लू वेलवेट बॉक्स दिखाता है, और ये बॉक्स रोजमैरी को बहुत ही पसंद आ जाता है। इसकी खूबसूरती रोजमैरी को पसंद आ जाती है, तो अब ये इसे ख़रीदना चाहती है, लेकिन जो शॉपकीपर है ये इसका दाम 20 जीनीस बताता है। तो ये सुनने के बाद रोजमैरी शॉपकीपर से कहती है कि तुम इसे बचा कर रखो, मैं इसे बाद में लूँगी। तो ये सुनने के बाद शॉपकीपर रोजमैरी की बात को मानता है, और ये इसे एक जगह पर रख देता है और रोजमैरी से कहता है कि आपको जब इसे लेना होगा आप आना और इसे लेकर जाना, क्योंकि दोस्तों जो रोजमैरी है ये बहुत ही रिच है और ये इन सब दुकानों में आते रहती है, तो इसलिए सभी इस रोजमैरी को अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ से, यानी कि इस दुकान से निकलने के बाद रोजमैरी बाहर जाती है, तो दुकान के बाहर बारिश हो रही है। तो अब बारिश में ये रोजमैरी अपने कार के पास जाती है, तो कार के पास रोजमैरी को ये मिस स्मिथ मिलती है, और ये जो मिस स्मिथ है ना, ये रोजमैरी से कहती है कि क्या आप मुझे एक चाय के कप के पैसे दे सकते हो, मुझे चाय पीना है। तो ये सुनने के बाद जो रोजमैरी है ये मिस स्मिथ को कहती है कि तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं वहाँ पर तुम्हें चाय पिलाऊंगी। दोस्तों, असल में इस रोजमैरी का मकसद ये है कि मतलब कि ये कुछ एडवेंचरस करना चाहती है। रोजमैरी बहुत सारे बुक्स पढ़ती है और इसने एक स्टोरी पढ़ा है दोस्तोवस्काई, तो इस स्टोरी के बदौलत ये चाहती है कि ये कुछ एडवेंचरस एक्सपीरियंस करे। और ये रोजमैरी इस लड़की को ये भी दिखाना चाहती है कि जो अमीर लोग होते हैं ना, उनके दिल में भी रहम होता है। तो अब मिस स्मिथ रोजमैरी के साथ उसके कार में बैठती है और ये दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। तो अब घर पहुंचने के बाद ये रोजमैरी इसे अपने रूम में लेकर जाती है, और हाँ, ये जो अपने घर में इसे लेकर आई है ना, ये इस मिस स्मिथ को अपने नौकरों से छुपाकर लेकर आती है, क्योंकि ये मिस स्मिथ बहुत ही गरीब है, तो इसके नौकर कुछ उल्टा फुल्टा ना सोचे। तो अब ये लड़की रोजमैरी के साथ इसके रूम में है, और रोजमैरी इसे सीट में बैठाती है आग के पास। अब आग क्यों? क्योंकि दोस्तों अभी विंटर सीजन चल रहा है, और रोजमैरी इस लड़की की हेल्प करती है इसके कोट और इसके हैट को उतारने में। और अब मिस स्मिथ रोजमैरी को कहती है कि मुझे बहुत भूख लग रहा है, तो रोजमैरी इसके लिए चाय ऑर्डर करती है, तो चाय के साथ सैंडविच भी आता है। रोजमैरी अपना सिगरेट जलाती है और ये सिगरेट पीने लगती है। तो अब ये इस लड़की की स्टोरी जानना चाहती है, यानी कि रोजमैरी इस लड़की से इसकी स्टोरी पूछने वाली है। तो इसी बीच जो इसके हस्बैंड है ना, यानी कि जो रोजमैरी के हस्बैंड है फिलिप, ये यहाँ पर आ जाते हैं और इन दोनों के बातों के बीच में दखल दे देते हैं। तो फिलिप यहाँ पर मिस स्मिथ को देखकर सरप्राइज हो जाता है, और ये अपनी वाइफ को कहता है कि चलो मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। तो ये दोनों अब लाइब्रेरी जाते हैं और फिलिप इंक्वायरी करता है इस लड़की के बारे में। तो रोजमैरी बताती है कि ये लड़की बहुत ही गरीब है, और मैंने इसे स्ट्रीट से, यानी कि इसने इसे सड़क से उठाकर लाया है ताकि ये इसकी हेल्प कर सके। तो फिलिप कहता है कि तुम कैसे एक स्ट्रेंजर को हमारे घर में लेकर आ सकती हो।
और अब फिलिप कुछ अजीब सा कहता है। ये कहता है कि ये जो मिस स्मिथ है ना, ये बहुत ही खूबसूरत है और ये देखने में बहुत ही अच्छी है। तो ये सब सुनने के बाद रोज़मैरी को बहुत ही इनसिक्योर फील होता है। तो अब ये लाइब्रेरी से निकलती है और ये यहाँ से जाती है अपने स्टडी रूम। तो स्टडी रूम में आकर ये पैसे लेती है और ये जाकर इस मिस स्मिथ को पैसे देती है और इसे यहाँ से जाने को कहती है। तो मिस स्मिथ के जाने के बाद रोज़मैरी अपने हस्बैंड को फिर से लाइब्रेरी में ज्वाइन करती है और यहाँ पर आकर ये अपने हस्बैंड से कहती है कि मैंने शॉप में एक बहुत ही अच्छा ब्लू वेलवेट बॉक्स देखा था, क्या आप मुझे वो दिला दोगे। तो फिलिप कहता है ठीक है। असल में दोस्तों यहाँ पर रोज़मैरी ने ये सब बात इसलिए कहा ताकि इसके दिमाग से, यानी कि फिलिप के दिमाग से, मिस स्मिथ का जो ध्यान था वो निकल जाए, क्योंकि जब फिलिप मिस स्मिथ की तारीफ़ कर रहा था तब रोज़मैरी को इनसिक्योर फील हो रहा था। तो अब आखिर में रोज़मैरी अपने हस्बैंड को कहती है कि क्या मैं प्रीटी हूँ। तो यहीं पर ये कहानी ख़त्म होती है। तो आखिर में जितने भी बातें इस रोज़मैरी ने अपने हस्बैंड को कहा है ना, इसने इनसिक्योर फील कर कहा था। इसने सोचा कि मैं ये सब कहूँगी तो जो इसका ध्यान है ना, यानी कि जो फिलिप का ध्यान है, ये इस लड़की से निकल जाएगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पूरी समझ में आ गई होगी। तो अब आपसे मुलाकात होगी कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।